वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गवादर पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां शुरू कर दी है। एबीआर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से ट्रांस शिपमेंट पॉलिसी में तब्दीली से गवादर पोर्ट को मजीद फाल होने में मदद मिली। पाकिस्तान की बेहतर ट्रांस शिपमेंट पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तानी बंदरगाहों खुसूसन गवादर पोर्ट पर बैनुल अक़वामी रहदारी सरगर्मियाँ शुरू हो गयी। गवादर पर वाक़े के मुताबिक नई पॉलिसी के नतीजे में 200 टन ताज़ा मछलियाँ छीन बीजेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी हाजी अब्दुल रजाक दाऊद ने माइक्रो ब्लॉकिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपनी हालिया ट्वीट में कहा, वज़ारत तिजारत और पाकिस्तान कस्टम ने कामयाबी के साथ मछली छीन बीजी। इन्होंने मजीद बताया कि मछली को 8 माल बर्दर कंटेनर्स में बेचा गया है। उम्मीद है कि यह हमारी ट्रांस शिपमेंट पॉलिसी की हौसला अफजा शुरुआत होगी और गवादर पोर्ट ऑपरेशन में इजाफा होगा। मुशीर तिजारत ने यह भी बताया कि कंटेनरों की आजादाना रवानगी की सहूलत के लिए कवायद में तरमीम की गई है। दूसरी जानिब एफबीआर ने भी वाजे करके कौम को खुशखबरी सुना दी है कि अब गवादर बैनुल अक़वामी नकल और हमल मरकज बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।